हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ जीआईएस। एज यू ऑल नो दैट वी आर नाउडे टेकिंग क्लासेस थ्रू ऑनलाइन, सो टुडे वी विल टेक द सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वी विल कवर दिस होल चैप्टर एज ए समरी और इन अ वेरी शॉर्ट मैनर वी विल एक्सप्लेन this chapter. We will start with one of the biggest personality, we can say well known, well famous personality, Nelson Mandela. He was the first black president, and we can say he was the first president of independent South Africa. After a long walk, after a long struggle for freedom, he helped people of South Africa to live their life with raising their head, and they have their self-dignity. This chapter actually an autobiography of Nelson Mandela. Today, in this lecture, I will speak bilingual in two language so that my viewer, my student can understand easily what I'm speaking, what I'm going to tell them. This chapter starts with the introduction that what, where and why people gathered and what was going on there. A speech of that day, that was on the day when ceremony was taking place in Pretoria, South Africa. It was an amphitheater where people are from entire world, leader of international level, gathered on the soil of South Africa first time. So Nelson Mandela addressed people. नेल्सन मंडेला ने एड्रेस करना स्टार्ट किया और ये बताया कि किस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया है और वो स्ट्रगल से उन्होंने कैसे अचीव किया है फ्रीडम। जो ब्रिटेन के लोग उनके ऊपर रूल कर रहे थे, वो किस तरह उन्होंने उस रूल को हटाकर आज एक ऐसी गवर्नमेंट को फॉर्म किया है जो नॉन रेशियल, विदाउट एनी पार्शियलिटी, बहुत ही ऐसी गवर्नमेंट जो सबके लिए सोचने वाली गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है। और सबसे पहले जो स्वर्ण लिया, जो शपथ ली, वो मिस्टर डी क्लार्क, जो सेकंड डेपुटी थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने ओथ लिया, द सेकंड डेपुटी। द फर्स्ट डेपुटी प्रेसिडेंट थाबो मोबेकी, थाबो मोबेकी ने सेकंड डेपुटी के रूप में स्वर्ण किया, शपथ ली। और उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने चार पांच एरिया में अपनी स्पीच को जनरली बताया। फर्स्ट वन, फ्रीडम के मायने उनके लिए। फ्रीडम उनके लिए क्या थी? फ्रीडम वो अपने लिए इंडिविजुअल नहीं समझते थे। फ्रीडम का मतलब वो समझते थे अगर सभी लोग फ्री हैं तो ही फ्रीडम है। एक फैमिली या एक पर्सन की फ्रीडम को वो फ्रीडम नहीं मानते थे, तो अपनी फ्रीडम को वो एक्सटेंड कर गए। वो अपने फ्रीडम को वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड फ्रीडम को वो अंडरस्टैंड करते थे। उस कंसेप्ट में उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि फ्रीडम, मैं फ्री हूँ, वो फ्रीडम नहीं है। जब तक मेरे लोग, मेरे देश के लोग फ्री नहीं है, तब तक मैं फ्री नहीं हूँ। सेकेंड उन्होंने लिया कि ब्रेव कौन है या करेज क्या होता है, करेजियस लोग कैसे होते हैं या करेज का मतलब क्या होता है। जब फ्रीडम की फाइटिंग कर रहे थे तो डर नहीं था उनके दिल में, तो उसे उन्होंने कहा कि अगर डर नहीं है तो इसका मतलब मैं ब्रेव हूं। लेकिन उन्होंने एक और अर्थ में बताया कि अगर मैं ब्रेव, सच में ब्रेव की अगर डेफिनेशन में देखूं तो ब्रेव जीत, डर को जीत लेने वाला ब्रेव है। डर की एब्सेंस को ब्रेव नहीं कहते, ब्रेवरी नहीं कहते, कि जो डर की एब्सेंस में है, डर नहीं है तो ब्रेव है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डर को जीत लिया किसी ने तो वो सच में ब्रेव है।
अगर डर एब्सेंस है, डर नहीं है, तो इसका मतलब कोई ब्रेव नहीं है कि डर नहीं है उसे। तो इस तरह उन्होंने ब्रेवरी या करेज को इंडिकेट किया। और नेक्स्ट उन्होंने टॉपिक बताया कि जो ओप्रेसर होते हैं, जो दबाने वाले होते हैं, जो दमन करने वाले होते हैं, जो कुचलने वाले होते हैं लोग, क्या वो सच में वो फ्री है? उन्होंने ये बताया कि जो दमन करने वाला है, जो कुचलने वाला है, जो ओप्रेसर है और जो ओप्रेस्ड हो रहा है, जो जिसको दबाया जा रहा है, जिसको परेशान किया जा रहा है, दोनों ही फ्री नहीं है। जो दबाया जा रहा है वो भी फ्री नहीं है क्योंकि उसकी फ्रीडम हाथ से निकलती जा रही है, और जो ओप्रेसर है, जो दबा रहा है, वो खुद अपने संकीर्ण विचारों में, अपने नेरो माइंडेडनेस होके, अपने खुद के जेलसी, खुद की प्रिजडस में खुद उलझा हुआ, वो कैदी है खुद, वो खुद उलझा हुआ है प्रिजडस में, उसकी खुद की छोटी सोच में। तो इन तीन चार पैरामीटर पे इस चैप्टर को पूरा एलोबरेट किया गया है। आज हमने इसके सिंपल और छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर को। तो इसमें मेजर तीन चार बातें हमने एक्सप्लेन की है, फ्रीडम, ब्रेवरी और क्रेजियसनेस, और लास्ट वन, हु इज ट्रूली फ्री, डज अ ऑपरेसर फ्री नॉट। सो आई होप आज आपने ये जो समरी हमने पढ़ी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे और अच्छे टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू, बाय बाय।